हाँ जी, हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अपन ने जो है अपने क्लास जो 10th है उसके लगभग 4 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं, और आई होप अगर आपने सारे अगर ध्यान से देखे हैं, 90% या 70% भी ध्यान से देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे मित्रों, इसको शेयर करना ना भूले और वीडियो को स्किप ना करें, क्लास को पूरा जरूर देखें। आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास जो 10th है उसके चैप्टर 5 की, जिसका नाम है एपी यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चों, तो हर बार की तरह इस बार भी अपन जो है अपन क्या करेंगे, अपनी जो बेसिक क्लास रहेगी जिसके अंदर अपन सूत्रों परिभाषाओं की चर्चा करेंगे और उसको फिनिश करेंगे। तो इसी प्रकार से अपन शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम, स्वागत करता हूं मैं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को स्किप ना करें, क्लास को पूरा देखें, और अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो प्रश्नावली का नाम है बच्चों समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां, तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे ये समांतर श्रेणी होती क्या है। सर, समांतर श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखना ध्यान से, वह श्रेणी जो समान अंतर से घटे या समान अंतर से बढ़े। ठीक है बच्चों, वह श्रेणी जो समान अंतर से घटे या समान अंतर से बढ़े, उसे अपन क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें, अपन उसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन समांतर श्रेणी के उदाहरण की बात करेंगे। समांतर श्रेणी में क्या क्या उदाहरण कैसे होते हैं, तो देखिएगा ध्यान से बच्चों। जैसे पहला बात करें, 1 2 3 4 डॉट 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 ये चलती जा रही है, तो आप देख सकते हैं यहां पर बच्चों की इनका अंतर, यहां पर मैं लिख देता हूं 100 लिख देता हूं भले, है ना। तो ये देखो अंतर इनका क्या है, समांतर या तो समान अंतर से घटे या फिर समान अंतर से क्या हो बच्चों, बढ़े, यानी कि उनका अंतर बराबर हो। तो देखो हर बार एक एक बढ़ रहा है, तो समान अंतर से बढ़ रही है ना ये, तो इसका मतलब ये एपी क्या है, एपी है। ठीक है भाई, और फिर इसके बाद में दूसरा उदाहरण बात करें अपन, दूसरे उदाहरण की बात करें, देखिएगा ध्यान से 2 मिनट। अपने को इतना सा ध्यान रखना है कि या तो वो समान अंतर से घटे या फिर वो समान अंतर से क्या हो बच्चों, बढ़े, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी कहते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, चैप्टर अच्छा है और बड़ा भी है, और प्रश्न थोड़े से अच्छे भी बनते हैं और बुरे भी बनते हैं, दोनों प्रकार से चलता है ये। ठीक है ना, तो अभी बात करते हैं अपन फिलहाल सूत्र और परिभाषा की। अगली क्लास रहेगी उसके अंदर अपन सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। पुरानी जो क्लासेज है अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर उसको देख लेवे, क्योंकि पुरानी क्लासेज देखोगे तभी अच्छे से समझ में आ पाएगा फिर नए सवालों का कंटेंट। और वैसे अभी अपना चैप्टर नया तरीके से स्टार्ट हो रहा है, तो वापस आप अगर पुरानी क्लासेज नहीं भी देखी है तो भी इसको आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, क्योंकि नए सिरे से स्टार्ट किया जा रहा है चैप्टर। ठीक है ना, चलिए बात करें आगे भाई, देखिएगा समझिएगा ध्यान से, है ना, दिख रहा होगा आप सभी को, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं अपन, अब दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा भाई सभी को। चलिए दूसरा उदाहरण ले अपन, तो जैसे कि 2 2 2 2 डॉट 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 2, तो अब ये ना ही तो बढ़ रहा है बच्चों और ना ही ये घट रहा है, पर ये समांतर श्रेणी क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर कितना है, 0, यहां पर भी 0 0 0 0 0 0, यानी कि ये भी समांतर श्रेणी है। तो इत्यादि जो भी है वो समांतर श्रेणी के उदाहरण है। अगला जैसे बात करें अपन बच्चों, अगली नई परिभाषा की बात करें, तो देखिएगा किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है, तो एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा मित्रों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। ठीक है भाई, हाँ, और यहां पे मैं लिख दूं, है ना, समांतर श्रेणी का ये लिख देता हूं मैं, 2 2 2 2 2 2 2, यहां पे लिख देता हूं मैं समांतर श्रेणी, जैसे कि एपी मान लेते हैं अपन, क्या होगी एपी, a1 a2 a3 डॉट 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 an, यानी कि
क्या होगा, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कौन सा पद आ जाएगा बच्चों, एनवा पद आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे अपन बात करें एपी होने के लिए प्रतिबंध, एपी के लिए प्रतिबंध क्या होना चाहिए बच्चों, यदि समांतर श्रेणी हमारे पास ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर डॉट 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 ऐसे हैं, ये ए फोर है और ये ए थ्री, अगर समांतर श्रेणी हमें दे रखी है तो एपी के लिए प्रतिबंध क्या होगा, डी वन बराबर डी टू बराबर डी थ्री, ये हमारे लिए आवश्यक क्या होगा बच्चों, प्रतिबंध होगा। अब ये क्या होता है सर, हमें तो पता ही नहीं, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि डी वन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए टू माइनस ए वन, डी टू का फॉर्मूला होता है बच्चों ए थ्री माइनस ए टू, और डी फोर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए फोर माइनस ए थ्री, ये फॉर्मूले आपको पता करना है, यानी कि पता होना चाहिए। अब सर ये आए कहां से, इनके मान कहां से निकालेंगे अपन, तो ए टू का मतलब दूसरा पद दिया हुआ होगा और ए वन का मतलब पहला पद, ए थ्री का मतलब तीसरा पद, ए फोर का मतलब चौथा पद, ठीक है ना। अगर अपने पास डी वन डी टू और यहां पे क्या आएगा थ्री आएगा, डी वन निकाला अपन ने, डी टू निकाला और फिर डी थ्री निकाला, तीनों की वैल्यूज अगर बराबर है तो अपन कह सकते हैं कि वो जो दी गई श्रेणी जो है वो कौन सी श्रेणी होगी भाई, समांतर श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, कंप्लीट मामला, समांतर श्रेणी की परिभाषा हो गई, इसके उदाहरण हो गए, और समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दे रखा हो तो एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर ये होता क्या है, तो ए एन तो मैंने बता ही दिया भाई, एनवा पद है, ए यानी कि प्रथम पद है, डी यानी कि क्या है सार्वंतर है, एक और बच रहा बच्चों एन, तो एन क्या बोलेंगे, पदों की संख्या, किसको बोलेंगे पदों की संख्या। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा पदों की संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अभी तो फॉर्मूले बहुत सारे इसके अंदर बाकी है, अगर आपको फॉर्मूले सारे पता है ना बच्चों तो आप आराम से समझ सकते हो चैप्टर को, कोई दिक्कत नहीं होगी। आधा चैप्टर फॉर्मूलों पर बेस होता है अपने गणित में, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्मूले याद नहीं करते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें समझ में कुछ नहीं आया। सर कहां से आएगा भाई समझ में, अगर जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है, जब तक आप फॉर्मूले डेफिनेशन सूत्र और परिभाषा याद नहीं करोगे तब तक आधा चैप्टर आपका गायब ही रहेगा, और आधा क्या पूरा ही गायब रहेगा उसके बिना। चलिए आगे बात करते हैं अपन, अगला जो है ये पता होना चाहिए आपको, ए बोलते हैं प्रथम पद को, और ए यानी कि क्या होगा बच्चों, जिसे अपन ए वन भी बोल सकते हैं, और डी बराबर क्या होगा बच्चों सार्व अंतर, और नॉर्मल डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी बराबर ए टू माइनस ए वन, जिसको अपन डी वन भी बोलते हैं ना, और एन क्या होगा, तो एन होगा हमारे पास पदों की संख्या, एन क्या होगा पदों की संख्या। अब बात करें अपन तो देखिएगा ध्यान से आगे, यदि पदों की संख्या एन सार्व अंतर डी व प्रथम पद क्या दे रखा बच्चों, ए दे रखा है, प्रथम पद ए है, तो ए हो तो एन पदों का योग, एन पदों का योग क्या होगा बच्चों, एस एन बराबर एन बटे वधू कोष्टक टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहां पर n का मान आपको पहले बता ही रखा मैंने, पदों की संख्या है और a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, d अपना क्या है बच्चों सार्व अंतर है। अब sn छूट रहा है तो sn भी यहीं पर लिख दूं मैं, sn होता है n पदों का योग, क्या होता है बच्चों n पदों का क्या होता है योग होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये योगफल ज्ञात करने का सूत्र बच्चों, एक योगफल ज्ञात करने का और भी होता सूत्र, क्या होता देखिएगा, यदि अंतिम पद L दिया गया हो तो N पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र S N बराबर एन बटे वो कोष्टक ए प्लस एल होगा, ये होगा अपना फॉर्मूला। यदि
अंतिम पद एल दिया गया हो तो एन पदों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या होगा, एस एन बराबर एन बटे व दो कोष्टक ए प्लस एल, ये अपना फॉर्मूला होगा। ठीक है भाई, ये अंतिम पद दिया गया हो तब योगफल ज्ञात करने का। इसके बाद में एक फॉर्मूला और आता है, अंत से एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, अंत से एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होगा ए एन बराबर एल माइनस कोष्टक एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ए एन बराबर एल माइनस कोष्टक एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। क्लियर मामला, छोटी मोटी चीजें और भी पता करनी है आपको, यहां पर लिख देता हूं मैं, छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ये सवालों में हमें याद नहीं रहती और फिर अपन भूल जाते हैं कि इसका आंसर अपन कैसे निकालेंगे। जैसे कि एस वन बराबर ए वन होता है और ए वन बराबर क्या होता है, ए बी होता है, और एस एस टू बराबर क्या होता है, ए वन प्लस क्या होता है बच्चों, ए टू होता है, ये भी आपको पता करना है, और एस थ्री बराबर क्या होगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ये भी पता रखना है। एस वन का मतलब पहला पद यानी कि पहले पदों का योगफल ए वन होगा, ए वन बराबर ए, और एस टू का मतलब दो पदों का योग, और दो पदों का मतलब क्या होगा बच्चों, ए वन प्लस ए टू होगा, और एस थ्री का मतलब तीन पदों का यानी कि ए वन प्लस ए टू प्लस क्या हो जाएगा, ए थ्री हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इस चैप्टर में काम आने वाले जो फॉर्मूले थे वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। एक फॉर्मूला और छूट गया वो भी लिखवा देता हूं, यदि ए बी सी एपी में ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो क्या लिख सकते हैं अपन, है तो समांतर माध्य b बराबर a प्लस सी और बटे में क्या आएगा, दो, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना। यदि a b और c अगर समांतर माध्य में है बच्चों तो अपन क्या कर सकते हैं, समांतर माध्य क्या होगा, समांतर श्रेणी में है तो अपन लिख सकते हैं b बराबर a प्लस सी बटे दो, ये आपको पता रखना। ठीक है भाई, ये अपना था एपी यानी कि समांतर श्रेणी जो चैप्टर था उसके बेसिक डेफिनेशंस और सूत्र थे, इसको अपन ने अच्छे से पढ़ा और आप लिख लीजिए, समझ लीजिएगा इनको, क्योंकि यही जब अपन चैप्टर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर काम आने वाले हैं। दोस्तों पहली बार क्लास देख रहे हैं तो अपने इस क्लास को शेयर करना ना भूले अगर आपको अच्छी लगी हो तो। ठीक है, सबसे पहला तो बात है कि क्लास को पूरा देखना, अगर आपने क्लास पूरी देखी है तो आपको 100% गारंटी की आपको समझ में आएगा। चैनल सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्लास अच्छी लगे और समझ में आए तो शेयर करना ना भूले बस, ताकि आप जैसे कई बच्चे जो हैं इस क्लास से इस चैनल से जुड़ सके, हमें भी पढ़ाने का आनंद और आ जाए कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं समझ रहे हैं इस चीज को, तो उनके लिए और बेस्ट किया जाए। और वैसे मैं बेस्ट देने का प्रयास करता हूं और करता रहूंगा, चाहे आप इस क्लास को पूरा देखे या ना देखे, जो बच्चे देख रहे हैं चाहे 10 बच्चे ही हो 15 हो 20 हो कोई दिक्कत नहीं, उनको तो लाभ मिलेगा इस चीज का। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, धन्यवाद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, सीताराम।